क्योंकि मुसलमानों के अनुसार कुरान कहती है धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। तो पता नहीं ये कहां पर से लाते हैं ये लोग जो बोल रहे हैं कि जमीन चपटी, ये कुरान में लिखा हुआ, ये कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ। ये मेरा चैलेंज रहेगा इन भाई को भी, या पूरा का पूरा आर्य समाजी जो ग्रुप है आपका, ये आपको मेरा ओपन चैलेंज है कि आप हमको कुरान से ये बताइए कि कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ इज फ्लैट, जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह अम्मा बाद, मैं हामिद रज़ा हाशमी आप सभी का इस्लामिक तरीके से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो बनाया था, रिएक्शन वीडियो, और उस वीडियो के बाद हम लोग के पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए कि हम आर्य समाजी पर अपना रिएक्शन दें और उनके वीडियोज़ पर हम अपना व्यू दें। हमारा जो मकसद है वो इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी है वो दूर करना है, और हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। लेकिन आज कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ गिने चुने कुछ स्पीकर हैं जो सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में बहुत सारी जहर फैलाने वाली बात कर रहे हैं, इस्लाम या कुरान के आयतों को मिस कोट करके आधी उधी बात बोल करके, और वो बहुत सारी नामुनासिब अभद्र भाषा यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि जब इस तरह के जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को आर्य समाजी कह रहे हैं, और हालांकि आप उनके वीडियोस देखिएगा और वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में, ये आर्य समाजी, आप कोई भी धर्म के लोग हैं वो अपने सभी फैमिली के साथ उस चीज़ को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। और उनके वीडियोज़ में ये खास बात है, वो तो दावा करते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैदिक धर्म का, लेकिन उनके पूरे वीडियोज़ में कहीं पर भी आपको वो धर्म वेद के बारे में एक्सप्लेन करते हुए सही से दिखाई नहीं देंगे। उनका मकसद ये होता है इस्लाम के बारे में, या इस्लाम के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि प्रोवोक करते हैं, ताकि मुस्लिम जो है वो उसको रिएक्ट करे, और वो फिर उस चीज़ को बाद में इशू बनाए कि ये देखो शांति दूत, शांति वाले मज़हब बोलने वाले इस तरह से रिएक्ट दे रहे हैं। तो असल उनका मकसद प्रोवोक करना होता है मुस्लिम कम्युनिटी को, जिस तरह से वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा भी मकसद है, हम भी इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि उनको रिप्लाई करें और उनको जवाब दें। और आज हमारे साथ है शदाब अहमद, इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपोगेशन सेंटर के प्रेसिडेंट और फाउंडर, और ये कॉम्परेटिव रिलीजन पर काफ़ी दिन से स्टडी कर रहे हैं, 2013 से एक्टिव है। और चलिए आज इस वीडियोज़ को हम देखते हैं और इस पर हम अपना व्यू देते हैं क्या है जी। तो आर्य समाजी के ऊपर इंशाल्लाह ये वीडियो है, एक आर्य समाजी भाई वो ये वीडियो बना रहे कुरान के ऊपर, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे कि कुरान में अनसाइंटिफिक बातें नहीं है जी, वो ये चीज़ पे मतलब उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और क्या क्या इसमें पॉइंट्स है। मुसलमान कहते हैं कि जो कुरान है उस कुरान को मानो, कुरान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं 100% सत्य हैं। इसरो और नासा, रसिया और चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो दुनिया को मूर्ख बना रही है, धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अनुसार कुरान कहती है, और मैंने कुरान पर इस विषय को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूँ, कुरान में अनेकों बार स्पष्ट रूप से आया है। बाइबल भी कहती है सबसे बड़ी बात, धरती प्लॉट जैसी चपटी है, पिलरों पर रुकी हुई है। जैसा कि इन्होंने कहा कुरान के बारे में कि कुरान में कहा गया है कि जमीन चपटी है जी, तो पता नहीं ये भाई कहाँ से बोल रहे कि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान चपटी है। जहाँ तक कुरान को मैंने पढ़ा है तो कुरान में साफ आयत है, जैसे कि सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29, और सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, और उसी तरह सूरह नाजिया सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में ये लिखा हुआ है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। जैसे कि सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि युकव्विरु लैला अल नहारी, कि अल्लाह दिन को रात में लपेट देते हैं और रात को दिन में लपेट देते हैं। लपेटना जैसे युकव्वीरा कव्वारा का वर्ड, वहाँ पर तो कव्वारा बोल दिया जाता है जब किसी सर पे अगर आप टर्बन यानी कि पगड़ी को लपेटते हो उसको कव्वारा बोलते हैं अरबी में, तो युकव्वीरु लैला वहाँ पर वर्ड है। तो लपेटना मतलब वो राउंड सर्फेस के बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और सूरह नाजियात है सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, वहाँ साफ लिखा हुआ वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा एंड देयर आफ्टर वी हैव मेड द अर्थ दुहिया शेप, दुहाहा दुहिया से भी बना हुआ है, दुहिया
ओस्ट्रिया का मतलब होता है एन ऑस्ट्रिक एज, ऑस्ट्रिच का अंडा। तो ऑस्ट्रिच का अंडा अगर अभी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तो ऑस्ट्रिच का अंडा कैसा रहता है, एग्जैक्ट जियोस्फेरिकल, जैसा कि जिस तरह का अर्थ है, अर्थ गोल नहीं है, जो गोल बोल रहा है अर्थ को वो भी सही नहीं है अपने में, क्योंकि अर्थ जियोस्फेरिकल है। जियोस्फेरिकल बोला जाता है फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब ऊपर से थोड़ा चपटा और बीच से थोड़ा बल्जिंग, इक्वेटर के पास थोड़ा निकला हुआ, जिसको जियोस्फेरिकल बोलते हैं। तो जहाँ तक ये भाई ये बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ चपटी है, पता नहीं ये कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं या कहाँ से ये कुरान को ला रहे हैं। मैं भाई को यही बोलना चाहूँगा कि आप कुरान को सही से पढ़िए। जहाँ तक बाइबल का बात है तो बाइबल तो हम लोग जानते हैं, बाइबल में बहुत सारे वर्सेज भी, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 8 इस तरह के, तो बाइबल में इस तरह के वर्सेस है। लेकिन कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दुनिया जो अर्थ जो है, जमीन जो है चपटी है। ये मेरा चैलेंज रहेगा इन भाई को भी, या पूरे के पूरे आर्य समाजी जो तबका है आपका, पूरा का पूरा आर्य समाजी जो ग्रुप है आपका, ये आपको मेरा ओपन चैलेंज है कि आप हमको कुरान से ये बताइए कि कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ इज फ्लैट, जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, ये आप हमको कुरान से दिखाइए, तब हम देख पाएंगे ये बात को, जान पाएंगे ये, मतलब ये बोल पाएंगे, उसके ऊपर हम लोग बहस कर पाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब इनके आगे देखते हैं, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो अक्सर इन्होंने बाइबल के बारे में बात की है। तो बाइबल में जहाँ तक बात है, तो बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 8 जो है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अर्थ, वहाँ पर ये डिडक्शन डिड्यूस किया जा सकता है कि अर्थ फ्लैट है, जो भी है बाइबल पे हमारे ने, अगर कोई क्रिश्चियन भाई है या क्रिश्चियन मिशनरी भाई, वो इनका जवाब देंगे बाइबल का। कुरान का जहाँ तक मैंने रेफरेंस दिया, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29, सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5, सूरह नाजियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, जहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट जियोस्फेरिकल लिखा हुआ, ये भी नहीं कि चपटी भी नहीं बल्कि जियोस्फेरिकल, स्फेरिकल भी नहीं जियोस्फेरिकल लिखा हुआ। और जहाँ तक चपटी की बात है, तो पता नहीं ये कहाँ पर से लाते हैं ये लोग जो बोल रहे कि जमीन चपटी, ये कुरान में लिखा हुआ, ये कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ। तो मानवता के विरुद्ध मारकाट की शिक्षा देने वाली, सीधे सीधे जो मूर्ति पूजक है, हिंदू है, कतलेआम करो, फेंक दो उठाकर, ऐसी जो शिक्षा देती। और मेरी कुरान पर अनेकों वीडियो जरूर देखना, बाइबल पर भी अनेकों वीडियो जरूर देखना। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते, मानवता को सुरक्षित रखना चाहते, जरूर देखना वो वीडियो, आपके बहुत काम की है। तो ये भी मारकाट के, और अक्सर अभी एक ये भी आया हुआ है 26 आयत या 24 आयत, जी और उसमें तो, भी ये क्लेम किया जा रहा है कि कुरान, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि मारकाट करने के बारे में। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वीडियो बना रहे हैं, जरूर देखें मेरा वीडियो। अगर आप सही में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, आपका मकसद अगर सही मैसेज पहुंचाना है, तो मैं बोलूंगा कि आप अपने चैनल से एड्स हटा दीजिए। जी, मैं ये बोलूंगा कि आप अपने चैनल से, जो भी भाई इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, आपका अगर सही में मानवता का काम करना चाहते हैं, तो अपने चैनल पे एड्स क्यों चला रहे हैं आप? ये दिखाना चाह, ये बताता है कि आप क्या, आपका अंदर का मकसद क्या है इस सब वीडियो बनाने का और दुनिया में नफरत फैलाने का। और जहां तक मार दो काट दो की बात है कि कुरान कहता है कि मार दो, कुरान कहता है काट दो, तो ये सरासर बेबुनियाद है, सरासर सही नहीं है। ये कहना कि कुरान में लिखा हुआ है कि आपको मार देना है, काट देना है, ये चीज़ सही नहीं है। तो इनका मकसद ही ये है कि वो मुस्लिम को प्रोवोक करना चाहते हैं इस तरह के वीडियो बनाकर, जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज करते हैं, और बल्कि मुस्लिम ने मतलब सोसाइटी को प्रोवोक करना चाहते हैं। अपना वीडियो, जैसे कि एड जो चल रहा है, उस पर इनको जो पैसा आएगा, उसके ऊपर जो ये पैसा कमाएंगे, बस अपने फायदे के लिए, बस क्योंकि अपना व्यूज बढ़ाना है इनको, किसी भी तरीके से अपना एजेंडा को कैरी ऑन करना है। ये नहीं सोचते कि इसके जरिए सोसाइटी में, समाज में डिफरेंस पैदा होगा, समाज में जो है वो नफरत पैदा होगी, उसका रिजल्ट है मॉब लिंचिंग से आपके, उसके बाद लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर पानी पीने के वजह से मार दिया जा रहा है किसी को, कहीं पर कोई और वजह से मारा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, इसको हम लोग को मतलब ये जो ये रूट्स है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो जो इंसान सुनते हैं, ये बुनियाद का काम करते हैं, उसके ऊपर बिल्डअप होते जाता है और चीज़ें, तो गलत फहमियाँ बढ़ते जाती है, और फिर एक दिन आता है कि फिर वो बेगुनाह को मारने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा लोगों से यही, मेरा भी यही कहना और हम सब का यही कहना है कि आप सही जो इस तरह की वीडियोस के सुन करके आप गलत डिसीजन पे नहीं आए, गलत फैसले के नतीजे पे नहीं आए, बल्कि आप खुद से सही से जानकारी हासिल करें, आप खुद से जो सही नॉलेज है, क्योंकि इस तरीके से जो कोट कर दे रहे, एक आयत को लिख दे रहे, सूरह आले इमरान का आयत नंबर 28 लिख दिया और बोल दिया कि वहाँ बोला हुआ कि धोखा दो, जबकि वैसा कुछ भी है नहीं वहाँ पर। तो आप जब खुद से वहां पर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है।
तो जैसा कि ये हमारा वीडियो एंड हो गया, इसके बाद हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आएंगे, और जो भी इस तरह की वीडियोस देखने के शौकीन हैं, हो सकता है उनको हमारा वीडियो उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि हम उस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया है कि हम उस लेवल में गिर के इनके जैसे लैंग्वेज यूज़ कर सकें। तो इनको बहुत सारी और भी बातें इन्होंने ऐसी बातें कही है बेबुनियाद, और उस चीज़ को हम सुन नहीं करेंगे यहाँ पे। जी जी हाँ, जो मतलब हम लोग को ऐसा लगा जो पार्ट रिप्लाई देने के लायक है, बहुत सारे पार्ट इलॉजिकल है, बहुत सारे पार्ट प्रोवोकेटिव है, मतलब जो रिप्लाई हम लोग जब बनाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत सारी इनकी पॉइंट्स ऐसी है जो बेबुनियाद, सरासर बेबुनियाद है, जिस मतलब जिसको बोला जाता है कि उसको जवाब देना खुद में अपने आप को बेइज्जती करना होगा, तो उस तरह का जवाब हम लोग नहीं देंगे। जो भी पॉइंट्स जो हम लोग को वैलिड लगते हैं, जो प्रोवोकेटिव नहीं है, जो बेबुनियाद नहीं, मतलब जिसका लगता है कि हमको रिप्लाई देना, उसी का हम लोग रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो हम लोग आगे बनाते रहे, तो कमेंट जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और हमारे जो भी अभी पहली बार हमारे चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के जो रिप्लाई वीडियोस है आर्य समाजिस के ऊपर या क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में या और भी लोग जो इस्लाम के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उनका जो रिप्लाई आपको जरूर मिले इंशाल्लाह। और हमारे इस वीडियो में हम लिंक भी शेयर करेंगे, और भी बहुत सारे जो अक्सर लोग सवाल करते हैं और लोगों के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पहले वीडियोस कर चुके हैं, उसका भी हम लिंक डाल देंगे इसमें, आप उसमें जाके देख सकते हैं, और इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कि इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं जी। वाखुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।